के पास जो कि पंचायत समिति हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है जान को हथेली पर रखकर लोगों के बीच मास्क सैनिटाइजर वगैरह बंटवाना, जो कि कितना मुश्किल काम है। आपको ये लगता है कि साधारण काम है? बिल्कुल भी नहीं। घर से निकलना बहुत मुश्किल है। आप समझ सकते हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में कोरोना जो है थर्ड स्टेज में जा चुका है, बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं सर। तो मैं सर चाहता हूँ सर कि आप अपने बारे में सर कुछ बताएं सर, और किस तरह की परेशानी आती है जब आप मास्क लेकर जाते हैं लोगों के पास, साबुन लेकर जाते हैं, तो किस तरह की परेशानी से आपको गुजरना पड़ता है सर? अभी विश्व लेवल का ये जो कोरोना वायरस महामारी से जो विश्व इस दौर से गुजर रहा है, बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस चिंताजनक विषय में और इस समय सिचुएशन में हम को जो मौका मिला है समाज के सेवा के लिए, सरकारी स्तर पर, अपने निजी स्तर पर, अपने आम आवाम के लिए जो करना है, जागरूकता सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से लोगों को जागरूकता तो मिल ही रही है। जो लोग सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और पेपर नहीं देख पा रहे हैं, उनसे भी हम लोग रूबरू होकर के घर घर डोर टू डोर जा कर के लोगों से अपील करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खाने से पहले चाहे किन्हीं लोगों से मिलें तो अपना दूरी बनाकर मिलें, उनसे हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, वगैरह वगैरह जितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन में जो नियमें आती हैं वो सब का पालन करें, और साबुन से हाथ बार बार धोएं, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, लोगों से ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ में ना जाएं, ये अपील है लोगों से। और इसी क्रम में हम लोग बहुत कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक लोगों को जागरूकता की बात है, वैसे मैं एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता के तौर पे भी काम कर रहा हूँ, मेरी वाइफ जन वितरण प्रणाली विक्रेता है, तो लोग बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, हमारे यहाँ अनाज लेने, तेल लेने समय पर आते हैं, महीने में 2 बार 3 बार। उन लोगों से भी हम अपील करते हैं कि अपने घर में आपको किस तरह से इस महामारी में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोगों के अपने परिवार में भी कोई अगर बाहर से आए हैं तो उनको होम क्वारंटाइन में कैसे रहना है। कठिनाई तो हो रही है समाज में, हम लोग जा रहे हैं, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम लोग जा रहे हैं, लोगों को समझाने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ हो रही है, लेकिन इस दौर में लोगों को समझना होगा, यही अपील है। हम लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग अपने घर में रहें, सरकार के द्वारा जो अनुपालन जो निर्देश है उस निर्देश का पालन करें, ताकि हम लोग इस महामारी से बच सके और हमारा पंचायत छितरौली अभी तक और भविष्य में भी हम आशा करेंगे कि ये पूर्ण रूप से बचा रहे और इसका अनुपालन हम लोगों का सहयोग, हम आम जनमानस का सहयोग भी, छितरौली पंचायत के आम जनता का सहयोग भी हम लोगों को बहुत मिल रहा है, इसके लिए आज इस माध्यम से हम उनको आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चलिए तो सर आपका हक बनता है कि सर आपको सर एक कटोरी सर गिफ्ट की जाए, इसको लिया जाए सर। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे छितरौली पंचायत के पंचायत समिति को, और इसके लिए मैं हृदय तल से, दिल की गहराइयों से इनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहां पर आएँ और इन्होंने मक्के के पत्ते से बनी कटोरी जो है कोरोना योद्धा के तौर पर इन्होंने लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।